तो चलो प्यारे बच्चे, इस वाले क्वेश्चन को देखो। इसमें बेसिकली क्या कहा जा रहा है कि अगर हम लोग के पास एक पार्टिकल है, वर्क एनर्जी थ्योरम पे ये क्वेश्चन है। पार्टिकल इज वर्क डन ऑन ए पार्टिकल इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो देखो, अगर वर्क एनर्जी थ्योरम देखोगे तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता, अगर एक ब्लॉक मूव कर रहा है, इधर जा रहा है अभी वेलोसिटी से, तो उस ब्लॉक पे कुल कितने भी फोर्स क्यों ने लग रहा हो, ठीक है ना, इधर नॉर्मल लग रहा होगा, इधर mg लग रहा होगा, इधर फ्रिक्शन लग रहा होगा, चलो मान लो काइनेटिक। तो ये थियरम ये कहता है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, समेशन ऑफ वर्क डन बाय ऑल द इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब हाफ mv फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ mu इनिशियल स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो वर्क डन है, ये सभी फोर्स का वर्क डन है, चाहे कंजर्वेटिव हो, चाहे नॉन कंजर्वेटिव, चाहे फ्रिक्शन हो, चाहे वर्क डन नॉर्मल हो, चाहे वर्क डन बाई वेट mg हो, वर्क डन बाय सूडो हो, रियल हो, कुछ भी हो, सभी फोर्स का वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। तो इससे कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव से कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। तो ये हमेशा सही होता, दैट इज ए ऑप्शन सही है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।